हेलो, नमस्कार। कैसे हो आप सारे लोग? मैं बहुत अच्छा हूँ। होपफुली आप भी सारे लोग अच्छे होंगे। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ अपनी पूरी फैमिली, प्राचीन कन्या फैमिली, डिवाइन एंड फैमिली, रिलेशनशिप दोस्त फैमिली को, सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और हम हमेशा की तरह इस कड़ी को यूं ही आगे बढ़ाते रहेंगे कि कुछ ना कुछ नया शेयर करके। तो आज इस कड़ी को अगर मैं पढ़ाऊँ तो कुछ बता दूँ कि अपने बारे में? ठीक है, बता देता हूँ। जो अब तो रूटीन से रट चुका है एक तरह से। मेरा नाम है सुभाष, आप देख रहे हैं यूट्यूब का प्राचीन कहानियाँ चैनल को। तो कैसा लगा होगा बता दो नीचे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि हम लोग जनरली क्या करते हैं, अपने आप को दूसरों के लिए प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और जो हम असली ओरिजिनल होते हैं उसको खो देते हैं। और आपको पता होगा, देखिए, कॉपी कॉपी होती है, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। अगर कोई मेरी, हालांकि मुझे तो नहीं पता कोई मेरी नकल करेगा नहीं करेगा, बट अगर कोई करना चाहेगा तो देखिए, मैं ही रहूँगा, वो वही रहेगा। तो हमें हमेशा कॉपी होने से और कॉपी करने से बचना चाहिए। कॉपी वहीं करनी चाहिए जहाँ ज़रूरत है, जहाँ अननेसेसरी हम करते हैं तो चीज़ें बिगड़ती हैं, या यूँ कहूँ कि आपके लाइफ में ठहराव दूसरे हिसाब से आता है जो नेगेटिव वाला होता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप यहाँ तक देखते हुए आ चुके हो तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले लाइक कर दो अगर पसंद आ रही हो, या कंटेंट आज आपका पसंद आए तो लाइक कर दो, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दो। कोई प्रतिक्रिया अगर आपको लगे, यहाँ तक कि आपको प्रतिक्रिया समझ में आ गई या कोई सवाल है तो अभी पोस्ट कर दो कमेंट करके। और अगर आपको लगे कि वीडियो देखने की बात करना है तो वीडियो ख़त्म हो जाए तब कर देना। इसके साथ में दो बुक्स हैं हमारी जो अपने हित की बात है, या क्योंकि हम सबके हित की बात है, तो चाहूँगा कि आप उनको ऑर्डर कर लो। मज़े की बात है कि फ्लिपकार्ट पे जो COD यानी कि कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर इनेबल हो चुका है, तो आप नाइसली वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। तो आपकी जो एक COD की प्रॉब्लम है वो भी अब क्लियर हो चुकी है। तो इससे हमें क्या फ़ायदा है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लाइंट हैं या आप लोग जो हमारे फैमिली मेम्बर हो, सबको बुक मिल जाएगी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के पास में नेट बैंकिंग, पेटीएम, UPI ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इफ़ यू वॉन्ट यू कैन कंसिडर फ्लिपकार्ट फॉर COD पर्पज़, अदरवाइज यू कैन ऑर्डर विद अस। हमारी वेबसाइट है www.divanans.com। इसके साथ में आप अगर इससे भी इजी ऑप्शन चाहते हो तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप कैसे करोगे? सिंपली, हाँ जी, थोड़ा डिस्टर्बेंस था, कोई आया था। तो हाँ, तो व्हाट्सअप कैसे करोगे? सिंपली हमारा नंबर है 7895591900 पे। आप व्हाट्सअप कर दो, बोलो हेलो, हेलो के बाद में मुझे आपकी बुक चाहिए। एक चाहिए, कौन सी चाहिए वो बता दो। दोनों चाहिए तो दोनों का नाम लिख दो। नाम मैं बता देता हूँ आपको फ़ायदे के लिए या सरलता के लिए, प्योर स्पिरिचुअलिटी, अवेकन सोल। इसके बाद में आपको सिंपली बोलना है कि मुझे आपकी बुक चाहिए। वहाँ आपसे आपका पिन के साथ में एड्रेस पूछेंगे, पिन कोड के साथ में, इम्पोर्टेंट रहता है, नहीं तो बुक कहीं की कहीं जाएगी और बिना वजह के कॉस्टिंग बढ़ेगी और आप भी चिल्लाओगे और काम भी नहीं हो पाएगा। तो प्रॉपर पिन कोड के साथ में आराम से तसल्ली से लिख के उसको दे दो, बुक की जो कॉस्ट है उसको दे दो, और हम जल्द से जल्द अपने इंडिया पोस्ट के माध्यम से आपके घर पे आपकी बुकों को भेज देंगे। और उसके बाद में आपको क्या करना है, जो अब सबसे इम्पोर्टेंट काम है, बुक को नाइसली पढ़ना है जैसे पढ़ सकते हो। उसके बाद में सिर्फ आपको करना क्या है, एक अच्छा सा फीडबैक जो जेन्युइनली आपको याद आया हो, कोई बनावटी नहीं, हमसे बात अच्छी करने के लिए कैसे करके, हम उसको कंसिडर नहीं करना चाहते, जो सच में आपको लगता है कि हाँ इस बुक का ये फीडबैक है। चाहता हूँ अगर आपने फ्लिपकार्ट से लिया है तो फ्लिपकार्ट पर सबमिट कर दो, वेबसाइट से लिया है तो वेबसाइट पर सबमिट कर दो, कमेंट सेक्शन बॉक्स है वहाँ पर, नहीं होगा तो लगवा दूंगा। इसके माध्यम से अगर व्हाट्सएप पे है तो व्हाट्सएप पे सबमिट कर दो, तो हम दूसरे लोगों को शोकेस करेंगे कि हमारी बुक क्यों है, कैसे है, कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है। ये जनरली जो आप चाहोगे वही होगा। तो इससे क्या होता है कि लोगों को माइंड बनाने में कि अगर वो लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते, वो अपना पैसा वेस्ट क्यों करें, सिंपल सी बात है। तो इसलिए अब आता हूँ आपके आज के टॉपिक के ऊपर कि जनरली हम लोग क्या करते हैं अपने आप को ओवर शो करने के चक्कर में, यही कहूँ कि शो अप के चक्कर में हम दूसरे की कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं कि आज मैंने वो हीरो देखा, उसका ये कटिंग अच्छा लगता है। हाँ, उसको अच्छा लगता होगा, जरूरी नहीं है कि आपको लगे। अगर आप उसकी कॉपी करोगे तो देखिए नाम उसका ही जा रहा है, उसका ही हो रहा है, आप तो कॉपी रहे ना। सो डू समथिंग यूनिक, और यूनिक वो आप तभी कर सकते हो जो आपके अंदर परमात्मा ने, नेचर ने, ईश्वर ने ऑलरेडी बना के दिया हुआ है।
लेकिन आप अगर उस सब की बात करोगे जो दूसरे के यहाँ पे है, तो देखिए आप अनसक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि जो उसकी यूनिकनेस है आप उसकी यूनिकनेस को कॉपी नहीं कर सकते। सिर्फ आप कॉपी क्या कर सकते हो, जो दिख रहा है, लेकिन अंदर जो जड़ें गड़ी हुई हैं आप उसको कॉपी तभी कर सकते हो जब आपके अंदर भी वो हो। तो ये ज़रूरी नहीं है ना कि अगर अगर कोई एक्टर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, मुझे पर्सनली बॉलीवुड वाले आई डोंट लाइक मोस्टली, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, बट स्टिल जो पसंद है मैं नाम नहीं लेना चाहता स्टिल, क्योंकि मुझे उनकी एडवर्टीजमेंट नहीं करना है। तो मैं चाहता हूँ कि इतना जितना टाइम इसमें वेस्ट करते हो तो इतना अवेकन हो जाओ, कुछ अच्छा कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सपोज़ के लिए एक एग्जांपल ले लो, कोई एक्स वाई एक्टर क्या करता है कि कोई कटिंग कराता है, कोई अपना फैशन करता है, कुछ ना कुछ ऐसे नए कपड़े पहनता था, हम उसको कॉपी करने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसकी पॉपुलरिटी बढ़ती है, उसको फ़ायदा होता है। इस चीज़ से मुझे जलस नहीं है, मैं मुझे दिक्कत नहीं है, बट चाहता हूँ कि वो पॉपुलरिटी, वो सारी अवेकनिंग, वो सारा ग्रोथ आपके अंदर हो। वो कैसा होगा, जब ही होगा जब आप खुद में यूनिक रहोगे, जो आप ओरिजिनल ईश्वर ने नवाजे हो वैसे बनोगे। ऐसे नहीं कि हाँ एक्स वाई पर्सन, एक्स वाई एक्टर, एक्स वाई प्लेयर ऐसा है तो मैं भी ऐसा ही करना चाहूँगा। अगर ऐसा करोगे तो नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, ये वर्कआउट नहीं होगा। सो आई सिंपली यही कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ को कंसिडर करो, फॉलो करो खुद में, कि बी ओरिजिनल, कॉपी मत बनो, नहीं तो कॉपी बनकर रह जाओगे। ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल होता है। एक बात का जरूर मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, एश्योर करता हूँ आपको कि कभी भी कोई भी पर्सन, कोई भी जीव जिसका भी यहाँ पे जन्म हो रहा है, सबके अंदर कोई ना कोई यूनिकनेस है। बस क्या है कि हमारा कल्चर ऐसा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, या हमारी अवेकनिंग नहीं हुई है, तो हम क्या उन सारी चीज़ों को खोज नहीं पाते। हम सिर्फ कन्फ्यूजन में, डिप्रेशन में, कहूँ कि डिप्रेशन तो एक अलग चीज़ हो जाएगी, डिप्रेस होकर सारी चीज़ों को स्पेंड कर देते हैं, समय खराब कर देते हैं, और जब तक हमें समझ में आती है तो समय खराब हो जाता है। तो हमारी जो एक ग्रोथ होती है स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, या जिस तरह की भी आप कहना चाहो, पर्सनली, सारी चीज़ें रुक जाती हैं। तो हमें सबको बैलेंस करके चलना ही हमारा पर्पस है, इधर इट्स रिलेशनशिप के लिए हो, पर्सनल हो, या फाइनेंशियली हो, चाहे स्पिरिचुअली हो, कैसा भी हो, सबको आपका मकसद है और ये आपकी जिम्मेदारी है कि कैसे बैलेंस करोगे। तो एक बात तो ये रही, तो जब आप इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके आपके हैबिट में लाओगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, ट्रस्ट मी, हो जाएंगी। लेकिन प्लीज़ कॉपी के ट्रैप में मत फंसो। कुछ अगर प्रोडक्ट बना रहे हो, अपने अंदर से निकालना चाह रहे हो, तो वो आपका होना चाहिए, ना कि एक्स वाई दूसरे पर्सन का। उससे क्या होगा, उसकी पॉपुलरिटी बढ़ेगी, आप वहाँ के वहीं रह जाओगे, आप उसके लिए काम करोगे, रात दिन काम करोगे, वो आराम से सोएगा, क्योंकि आप उसको कॉपी कर रहे हो। तो ऐसा बनो ना कि आप ना किसी को कॉपी कराओ ना कॉपी करो, और यही सीख दूसरे को भी दो। जब आप कुछ कहने लायक हो जाओ या लोग आपकी बात सुने, तो बस इतना सा कहना है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कर दो, ना पसंद आए डिसलाइक कर दो, कुछ प्रतिक्रिया है तो नीचे लिख दो, संवाद कर सकते हैं हम दोनों आपस में कि आप क्या लिखना चाहते हो, मैं क्या सुनना चाहता हूँ, और सुनने के बाद में अगर कोई प्रतिक्रिया बनती होगी तो ज़रूर दूंगा। यूट्यूब ने हमें अच्छा खासा प्लेटफॉर्म दिया है एक दूसरे से जुड़ने के लिए, तो मैं आभारी हूँ यूट्यूब का भी, मदर नेचर का भी, कि मुझे इस तरह बोलने लायक बनाया कि मेरे शब्द आपके कानों में पड़ते हैं तो आपको पीस होती है और आप पीस फील करते हो, आप हील होते हो। ये सब के लिए थैंक यू सो मच। और एक बार फिर से छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार, और माताएं बहनों सबका भाई, आप समझ जाओ।